आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है मानस पांडे और मैं आपको डेली बेसिस पे टारगेट दिया करता हूँ यूपी पीसीएस बीईओ और आरओएआरओ के लिए। और मैं सिर्फ उन लोगों को ही सही समझता हूँ जो कमेंट बॉक्स में डेली कमेंट करते हैं कि हाँ सर ये टारगेट एक्सेप्ट किया और ये टारगेट कम्प्लीट किया। खास तौर से जो लोग लिखते हैं कि सर टारगेट कम्प्लीटेड, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं पर्सनली उनको रिकॉग्नाइज करता हूँ। अगली वीडियो से मैं ये जरूर बताऊंगा कि कुल कितने लोगों ने टारगेट पूरा किया और शुरुआत में सबसे पहले किसने मैसेज किया कि टारगेट कम्प्लीटेड। तो आप अगर ये नहीं लिखते हैं तो आप ये गलत करते हैं। आपको डेली बेसिस पे लिखना चाहिए क्योंकि तभी तो मुझे भी समझ में आएगा ना कि आप पढ़ रहे हैं। आप सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो तो ये गलत बात है। तो चलिए, आज का टारगेट है फिजिकल जियोग्राफी में वीडियो नंबर 16 से लेकर के वीडियो नंबर 20 तक। कहां से कहां तक? वीडियो नंबर 16 से लेकर के फिजिकल जियोग्राफी में वीडियो नंबर 20 तक आज आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहला टास्क, जब आप इसको पूरा कर लें तो इन्हीं टॉपिक्स को उठाना है एनसीईआरटी और आपको इसको पूरा रिवाइज कर लेना है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत क्लियर तौर पर कॉन्सेप्ट को मैंने वीडियो में समझा दिया है। वीडियो देखिए भले छोटी है लेकिन वो छोटी होने से फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं कम टाइम में आपको अगर पूरा का पूरा टॉपिक कवर करवा रहा हूँ तो इसमें क्या बुरा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। ठीक, तो ये है सबसे पहला टारगेट। पहला ये है कि वीडियो नंबर 16 से वीडियो नंबर 20 तक आपको पढ़ना है। उसके बाद उन्ही वीडियो के टॉपिक्स को उठाना है एनसीईआरटी के बुक, उससे रिवाइज करना है। तीसरा काम, अच्छा मैंने सबकी शॉर्टेस्ट ट्रिक जरूर डाल रखी है तो आप जरूर देखिएगा, शॉर्टेस्ट ट्रिक के बिना कुछ नहीं होता। आपको याद कैसे रहेगा, वो शॉर्टेस्ट ट्रिक के हिसाब से ही याद रह पाएगा। उसके बाद आज आपको क्या करना है, फरवरी का सेकंड करंट अफेयर्स। कौन सा? फरवरी का सेकंड करंट अफेयर्स में 60 प्रश्न है, उसको आज आप फिर से अटेम्प्ट करिए। मैं बार बार रिवाइज करने को इसलिए करता हूँ क्योंकि उसी से आपको सब कुछ याद होगा। तो फरवरी का सेकंड करंट अफेयर्स अटेम्प्ट करिए, वीडियो नंबर 16 से लेकर के 20 तक कवर करिए, उसको एनसीईआरटी से पढ़िए। और उसके बाद सबसे जरूरी है कि आरओएआरओ के हिंदी का याद रखिए। आरओएआरओ के हिंदी का एक फुल लेंथ आप अटेम्प्ट करेंगे और अगर यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप यूपी पीसीएस का एक फुल लेंथ उठाइएगा, रैंडम कोई भी। ठीक, जितने फुल लेंथ हैं उनमें से कोई भी एक फुल लेंथ शुरू से चाहे लास्ट से एक तरफ से उठाइएगा और आज एक फुल लेंथ आपको टेस्ट जरूर देना है यूपी पीसीएस का। थैंक यू सो मच, इतना काम करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने इतने सारे काम को पूरा किया कि नहीं।